मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं उषा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस एक छोटे से वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। अब करते हैं वॉकिंग। मैं बनाई थी सरसों और पालक के साथ, तो बहुत टेस्टी बना था। जिंदगी की जो खुशी होती है ना, वो छोटी छोटी चीजों में होती है। हमको कोई बड़ा रीजन नहीं ढूंढना चाहिए खुशी के लिए। खुशी हमको छोटी छोटी बातों में ही मिलती है, पर क्या होता है ना, अक्सर हम भूल जाते हैं। हम किसी बड़ी चीज़ की कामना लेके बैठे रहते हैं, वो चीज़ होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, बट ऐसा नहीं है। खुशियाँ हमारे आसपास बिखरी रहती है, हमको समेटना होता है बस, उनको पहचानना होता है और उनको अपने जीवन में शामिल करना पड़ता है। बस खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ हो जीवन में अपने। दूसरों को खुश देख के ना मैं भी खुश हो जाती हूँ। होता ना, कोई छींकता है तो फिर और एक उसको देख के फिर छींक आती है, तो मेरी खुशी आती है मेरे पास, मैं दूसरों को खुश देखती हूँ। तो ऐसा ही है मेरे साथ। तो ना मैं ऐसे ही आशा करती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग रहें हमेशा खुश रहें। अब मेरा प्रयत्न भी यही होता है कि मैं सबको खुश रख सकूं। ये मैं अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ, उनके लिए नहीं। जब मैं उनको खुश करती हूँ तो ऑटोमेटिक मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे कि इस पिंक फ्लावर को देख के मैं इतनी खुश हो गई, इसके पास आ गई और सोचा इसके साथ एक छोटी सी क्लिप ले लूं। मिलिया कैसे लगा?
गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? सुबह सुबह के वातावरण में सुबह का मॉर्निंग का योगा वगैरह करके पेश हूँ। आशा करता हूँ आप भी हमारे निवेदन और रिक्वेस्ट के बाद योगा मेडिटेशन शुरू किए होंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाए होंगे, अपने जीवन शैली को, जीवन जीने की कला में काफ़ी सुधार आया होगा और उत्कृष्ट जीवन जीने का कोशिश कर रहे होंगे। धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, ऐसे हाथ में कैमरा है इसलिए उनको दोनों हाथों से करती थी मैं। इतने सारे बर्ड्स हैं ना, उनकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। मिथिलेश जी मोबाइल लेके बिजी हो गए क्योंकि उनका सारा ख़त्म हो गया एक्सरसाइज प्राणायाम। मेरा बाकी है, अभी थोड़ी सी देर आप लोगों से बातें कर लूँ फिर बैठ के मैं करूँगी। आज बन रहा है बिरयानी, चिकन बिरयानी। ये सारा कुछ तैयारी कर ली है मैंने। और ये कढ़ाई तेल गरम हो गया है। अब बिरयानी के लिए ना ये बरीस्ता फ्राई कर दूंगा प्याज को। यहाँ जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो यहाँ बन रहा है, फ्राई हो रहा है। अरे बासमती चावल यहाँ फ्राई हो रहे। चिकन बिरयानी बन रहा है। चावल हो गया, मैंने रख लिया है चावल बना के, और बिरयानी के लिए जो चिकन है वो पक रहा है। फ्रीक्वेंट ट्रेन चलती है? हाँ, पहले आधा घंटा, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, 10 to 12 minutes में, 10 minutes। बहुत टाइम लगता है। हाँ, देख, थाने, एरोली, रबाले, घनसोली, कोपर खाना, तुरपे, हंसी उधर जाता है, खारगर यहाँ पर है तेरा मामा रिकोमा, ठीक है ना, रुकटे से मानसोवर से बात पनवेल, पनवेल से पास पड़ता है। ए बहुत चिकन बिरयानी आज का हमारा लंच। टेस्ट करके बताइए। निवाला, बढ़िया, परफेक्ट मसाला। आलू भी शानदार मसाला घुस के अंदर, बढ़िया। अभी ना शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं टीवी देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है टीवी देखना। और आज बिरयानी बनाई थी, बहुत मजा आया खा के, बहुत अच्छा बना। और रात को भी वही खाएंगे क्योंकि ना मैंने ज्यादा बना दिया था, क्योंकि जब बिरयानी बनाती हूँ ना तो ज्यादा बनाती हूँ, तो शाम को भी चल जाता है, तो शाम को फ्री हूँ अभी मैं, इसलिए मैं टीवी देखूंगी 8-9 बजे तक, क्योंकि दिन भर नहीं मिलता ना टाइम, दिन
दिन भर काम रहता है तो बस इस वक्त तो आज कुछ ज्यादा ही देखूंगी। अभी ना रात के 9:30 हुआ और मैं जा रही हूँ सोने। इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में, बाय।